हेलो एवरी वन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑफ चैप्टर टू अ पैरल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन एंड फिगर कंसिडर टू सिचुएशन आपको दो सिचुएशन दी हुई हैं ए एंड बी अब इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज़ करना है यू कैन सी कि हमारे पास चार ऑप्शन हैं इसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज वन सो यहाँ पे पहले बोला है कि के इज़ केप्ट क्लोज एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर मूवड अ पार्ट यूजिंग द इंसुलेटिंग हैंडल हम क्या कर रहे हैं हम कैपेसिटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा रहे हैं इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या चेंजेस आएंगे और दिस इज़ क्लोज फर्स्ट कंडीशन में ये क्लोज है इसका मतलब ये चार्जिंग करना शुरू कर देंगे इसकी येस और नो सो दे विल मेंटेन आ पोटेंशियल ऑफ ई है और एज वेल बिकॉज इट इज़ अ क्लोज सर्किट एंड क्लोज सर्किट है ऑब्वियसली द बैटरी विल मेंटेन द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर सो यहाँ पे चार यहाँ पे आपका पोटेंशियल मेंटेन रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर, चाहे आप उसको दूर कर रहे हो आप उसका डिस्टेंस बढ़ा रहे हो पर फिर भी यहाँ पे इसका चार्ज कैसा रहेगा इट विल बी सॉरी चार्ज नहीं यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा इंटैक्ट सो वी तो सेम रह रहा है वी इज सेम बट आप अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपैसिटर पे कैपेसिटेंस पे क्या आंसर पड़ेगा कैपेसिटेंस होता है आपका एपसाइलेंट नॉट ए ओवर डी अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब कैपेसिटर हमारा क्या होगा डिक्रीज़ करेगा सो so वी तो सेम रह रहा है बट कैपेसिटेंस में क्या चेंज आ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है अब ये सोचो कि चार्ज में क्या होगा क्यू क्या होता है हमारा सी एंड वी तो अगर सी डिक्रीज़ कर रहा है सी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो क्यू की वैल्यू भी क्या होगी डिक्रीज़ करेगी सो चार्ज चार्ज डिक्रीज कर रहा है और वी आपका क्या रह रहा है सेम रह रहा है तो आप इसमें से ऑप्शन देख सकते हो कि कौन सा सही है ए वाले केस के लिए इन ए वी रिमेन्स सेम एंड क्यू चेंजेस अगर आपका वी सेम रह रहा है और सी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्यू तो चेंज हो गई अब हम बी वाला केस देखते हैं बी वाले केस में हमें बोला जा रहा है कि हमारा जो की है उसको ओपन कर दो दिस इज़ नाउ अ ओपन सर्किट एंड प्लेट्स ऑफ कैपैसिटर्स आर मूवड अपार्ट यूजिंग द इंसुलेटिंग हैंडल अब आप क्या कर रहे हो फिर से इसको डिस्टेंस बढ़ा रहे हो कैपैसीटर्स का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तो सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है आपका तो इसका मतलब कैपैसीटेंस क्या होगा वही होगा जो पहले हो रहा था कैपेसिटेंस विल डिक्रीज एंड विद डिक्रीज ऑफ कैपैसीटेंस पोटेंशियल पर असर क्या पड़ेगा पोटेंशियल वी क्या होता है हमारा क्यू ओवर सी तो अगर सी डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा वी चेंज होगा ऑब्वियसली सो यू कैन सी लास्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन तो बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज़ को क्या करना है रिलेट करना है कि अगर हमारी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आपने देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है क्यू की और यहाँ पे बात की जा रही है वी की तो वी तो सेम नहीं रह सकता इस वाले केस में क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है सी चेंज हो रहा है डिस्टेंस चेंज हो रहा है सी चेंज होगा और ऊपर से हमने ओपन सर्किट बना दिया है इसको तो इस वजह से हमारा क्यू चेंज क्यू जो होगा वो सेम रहेगा चार्जेस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी एंड हैंस वी चेंजेस और अगर क्यू क्यू हमारा सेम रहेगा और सी में अगर चेंज आ रहा है तो वी क्या हो जाएगा वी में भी चेंज आएगा